Mr. Harris Katimba, Qatar Transit passenger, Mr. Harris Katimba. Mr. Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज अदीसा बाबा से मुल्तान के लिए अभी रवाना होने लगा हूँ। तो फ्लाइट में अपनी सीट पर आकर बैठ चुका हूँ। ये बोइंग 777 प्लेन है और ये ट्रांजिट होगा फ्रॉम दोहा, अदीसा बाबा से दोहा, दोहा से फिर मुल्तान। अभी दोहा में मेरा जो ट्रांजिट स्टे है वो तकरीबन 14 आवर्स का है। स्टे काफ़ी लंबा है लेकिन पता नहीं चलता, क्योंकि जब आया था तब भी इतना ही था लेकिन फील नहीं हुआ इतना, क्योंकि एयरपोर्ट इतना बड़ा है, आपके पास एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं वहाँ करने के। जी दोस्तों, ये अपने गेट की तरफ जाते हुए ये अदीसा बाबा का एयरपोर्ट है। ये यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, ड्यूटी फ्री। और मेरा गेट है A11, ये सामने बोर्ड पर लिखा आ रहा है A11। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। देखें मूवीज में हॉलीवुड, अरबिक, बॉलीवुड, अफ्रीकन, वर्ल्ड सिनेमा बाय लैंग्वेज, बाय लैंग्वेज वी कैन सर्च लाइक दिस। ओके, दिस इज अरबिक सिलेक्टेड। नाउ फॉर एग्जांपल आई सिलेक्ट बॉलीवुड। टू मैंने इट इज़ अ बिग कलेक्शन। इसी तरह अगर हम टीवी में आए तो टीवी शोज की भी कलेक्शन काफ़ी है। Sir, yeah,
and taking care of your safe deck comfort in the cabin is the cabin crew, led by cabin senior director Veneta. The flying time of 4 hours, 5 minutes, we'll be climbing eventually to 38,000 feet. We are expecting a good weather condition. कतर एयरवेज़ की तरफ से खाना मिल चुका है। खाने में चिकन का जो बॉक्स है, ऊपर उसके ब्रेड पड़ी हुई है, डेजर्ट भी है, सैलेड भी है, साथ एप्पल जूस। इसके बाद कॉफ़ी और साथ में वेफर, मज़ा आ गया। ये अब जहाज़ तकरीबन 34-35 हज़ार फीट की बुलंदी पर उड़ रहा है, तो माशाल्लाह नीचे देखें, बादलों का व्यू देखें आप। बादल ऐसे हैं जैसे धुआं ही धुआं, यहाँ ऐसे लग रहा है कि आसमान से भी ऊपर हैं हम। ये तकरीबन दोहा यानी कि कतर का जो कैपिटल दोहा सिटी है, उसके करीब पहुंच चुके हैं। जहाज़ की बुलंदी जो है वो नीचे आ चुका है जहाज़ काफ़ी, तो नीचे आपको समंदर नज़र आ रहा है, सारा पानी ही पानी है, सामने आबादी भी नज़र आ रही है। अभी जहाज़ लैंड करने वाला है। देखें कितना साफ़ है, उसके अंदर की ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, और ये अब जहाज़ हमारा लैंड कर रहा है। माशाल्लाह से दोहा हम पहुंच चुके हैं। ये एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुका हूँ मैं, तो अब यहाँ पर दो रास्ते होते हैं, एक अगर जो लोकली दोहा में बाहर निकलना चाहते हैं, या जो ट्रांज़िट, मेरा ट्रांज़िट वीज़ा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा 13-14 घंटे का स्टे है, तो मैं ट्रांज़िट वाली साइड पर। आज दोबारा से
हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि दोहा का, दोहा सिटी, दोहा कैपिटल है कतर का। यहाँ पर मैं अदीस अबाबा से मेरी फ़्लाइट थी, तो ट्रांज़िट वीज़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रांज़िट स्टे जो मेरा है 14 घंटे का, तकरीबन सात एक आधा टाइम गुजर चुका है, आधा टाइम रहता है। तो अब सोचा थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ, 3-4 महीने पहले भी बनाई थी, लेकिन उस बार ड्यूटी फ्री शॉप्स की रहती थी, तो अब ड्यूटी फ्री शॉप्स की बनाऊंगा, तो आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप्स। ये जो फ़्लाइट इंफॉर्मेशन चार्ट पूरा स्क्रीन्स के ऊपर, तो यहाँ पर मेरी है 7:45 पर, तो 7:45 पर वो सामने मुल्तान आपको नज़र आ रही होगी, मुल्तान 7:45, QR 616, कतर 616 नंबर फ्लाइट जी। ये भी सारी ड्यूटी फ्री शॉप है, ये चॉकलेट्स वगैरह यहाँ डिफरेंट, और ये एरिया, ये गोल्ड एरिया है सारा। ज़ेवरात, कुछ शॉप्स उधर हैं, वो उस साइड पर फार्मेसी है, गारमेंट्स की शॉप, डिफरेंट शॉप्स हैं यहाँ पर। तो चलते हैं इस तरफ, जहाँ पर मैं लास्ट टाइम भी इसी साइड पर स्टे किया था, इस साइड पर जो एस्केलेटर है उसकी वीडियो पहले भी मौजूद है। आप अगर देखेंगे मुल्तान से अदीसा बाबा की वीडियो, तो उसमें इस साइड का सारा एरिया तकरीबन कवर किया हुआ है मैंने। सिर्फ ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं जो रहती हैं, वो अब मैं दिखाता जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, स्मार्ट वॉचेस हो गई, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैमरा गैजेट्स, एक लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ कैमराज, पावर एंड चार्जेस, एवरीथिंग इज हियर। चलते हैं आगे की तरफ, ये इस साइड पर एडिडास का आउटलेट है, वो सामने एडिडास, ये लगेज के लिए बैग्स वगैरह, ये एडिडास, ये बॉस ब्रांड हो गया, क्यू डेनिम, ये बैग्स की शॉप्स हैं। अब ये यहाँ के जो मेरे ख़्याल से सर्विस एरिया के जो लेबर है, वो किसी सर्वे पे जा रहे हैं, यहाँ तो कोई कंप्लेन होगी या किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं सारे इकट्ठे होके। ये डीज़ल, ये QAS मीन्स कतर एयर सर्विस, कतर एयरवेज सर्विसेज, दिस इज़ द वेटिंग एरिया। अब जैसा कि ये A3 से लेकर A11 तक ये नोटिफाई कर रहा है कि आगे की तरफ, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उस तरफ गेट्स हैं, क्योंकि जो इस तरफ जो यहाँ का क्विट रूम है ना, जो रेस्ट एरिया, वहाँ पर फिर भी स्पेस मिल जाती है, सीट मिल जाती है लेटने के लिए। वह भी मैं इसी जगह पर तकरीबन 3-4 घंटे सोया हूँ, तो इसीलिए अब दोबारा से इस तरफ जा रहा हूँ। ये एस्केलेटर जो है, इसकी वीडियो पहले मैंने बनाई थी, अब इसलिए इसके ऊपर मैं तेज़ चलना जा नहीं रहा, थोड़ी सी वॉक ख़ुद से करना चाह रहा हूँ, इसलिए उसे यूज़ नहीं कर रहा। ये सामने बोर्ड पर लिखा आ गया, ये ब्लैक बोर्ड पर वाइट कलर पे लिखा हुआ है क्विट रूम। ये
ये सामने ये वाला, ये थोड़ा सा आगे बस कुछ 30-40 कदम आगे, ये सामने कैफे डेल मोंटे कैफे। ये सामने और ये हम पहुंच गए अपने क्विट्रोम की तरफ। अब ये देखें, ये यहाँ की कंडीशन सूरत हाल चेक करें आप। नीचे लेटे हुए लोग, चेयर्स हालांकि खाली भी हैं, तो अभी अंदर चलते हैं। यहाँ पर लेटेंगे अब हम। बारी है ब्रेकफास्ट प्लस लंच की, तो लास्ट टाइम भी मैंने बर्गर किंग खाया था, अब भी बर्गर किंग जो मेरी टिकट है उसमें 30 कतरी रियाल का जो वाउचर है वो उसमें इंक्लूडेड है। वो बस मैं जाके बोर्डिंग पास दिखाऊंगा और ऊपर जो एक्स्ट्रा ये 48 कतरी रियाल की मैंने डील ली थी, तो ऊपर के जो 18 रियाल हैं वो मैंने अब खुद से दिए थे उन्हें, और 30 रियाल वो बीच में इंक्लूडेड थे। ड्यूटी फ्री शॉप्स, सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं जी। जी दोस्तों, आज एक बार फिर से दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के लिए वापसी और अपनी फ़्लाइट के लिए इंतज़ार काफ़ी लंबा है, लेकिन यहाँ पर इतना फील नहीं होगा क्योंकि सुबह से तो बैठा हूँ। अब मेरे ख्याल से 7-8 घंटे रह गए हैं फ्लाइट में।
ये टेंट पहले तो नहीं लगा हुआ था, लास्ट टाइम जब मैं आया हूँ मेरे ख्याल से कोई नुमाइश टाइप कुछ है, देखते हैं किस तरफ से इसका गेट है। ये सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, शॉपिंग करना चाहें तो आप। ये एप्पल का आउटलेट, ये इसका गेट है मेरे ख्याल से, अंदर ये बंद है अभी, क्लोज्ड है एप्पल। ये विंटेज कार खड़ी है, विंटेज स्पोर्ट्स कार, गल्फ हीवर। जी मेरे ख्याल से अभी अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पर कुछ बना रहे हैं जी लेबर अंदर से निकलते हुए। ये अभी ये बच्चों के टॉय टाइप गाड़ी खड़ी है। जी दोस्तों गेट नंबर आ चुका है, गेट नंबर मेरा है C21। अब उसी गेट की तरफ जाते हुए C21, लास्ट टाइम जब मैं मुल्तान से आया था और अदीसा बाबा गया था तब भी मेरे ख्याल से इसी साइड पर था सी सीरीज, तो अब भी उसी साइड पर ही जा रहा हूँ, तो देखते हैं लेट्स सी। कोशिश करता हूँ अगर ऊपर जो ट्रेन इनकी चलती है अगर उसमें जाकर देखता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से उसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, कोशिश करता हूँ अदरवाइज। जी ये सामने मेंशन है CDE, लास्ट टाइम मैं इधर गया था वो था B की तरफ, ये CDE ये इस तरफ है। हाँ लास्ट टाइम मैं इधर, नहीं नहीं ठीक है ये उसी तरफ जा रहा है, हाँ बिल्कुल लास्ट टाइम जिस साइड पर गया था अब भी उसी साइड पर ही है गेट हमारा, क्योंकि फ्लाइट्स आ रही हैं, काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है ये भी, तो अब जाहिर बात है चेक इन भी अगली फ्लाइट्स का शुरू हो रहा है, इसलिए ये रश बढ़ता जा रहा है। ये इस के लिए पिक्चर बनाने के लिए लोग आते हैं, इसके लिए बालू है या जो भी है, इसलिए भी रश होता है। ये मेन लाउंज इनका या फोटोशूट एरिया कह लें, ये सामने CDE। ये पहले भी इधर से इस कार की बनाई थी, ये रास्ता अब जा रहा है। लास्ट टाइम तो भी जाते हुए मैं नीचे से गया था, आज ऊपर से चलते हैं, ऊपर चल के चेक करते हैं, आपको दिखाता हूँ साथ साथ। डी ई नो ऊपर डी गेट है,
सी के लिए मुझे सॉरी नीचे से ही जाना पड़ेगा, ऊपर वो देखा ना वो डी गेट डी ई। यहाँ पर 21 9 37 7 20 वो सामने C21 ठीक है। 9 C21 कंफर्म है। एक बार मैंने सोचा दोबारा देख लूं। जी दोस्तों C21 गेट की तरफ जाते हुए तो सोचा अपना चेहरा भी थोड़ा आना चाहिए वीडियो में, इस बार इतने चेहरा नहीं आया। ये सामने C8 से C29, ये C6, उसी में चलेंगे। लोग रुक क्यों गए हैं भाई? लोग अपने गेट्स के इंतजार में बैठे हुए हैं कि चेक इन ओपन हो तो फिर ये ऊपर ट्रेन जा रही है। और ये C20 से C29 ये लेफ्ट पर साइन आ रहा है उसका। अब यहाँ से हम लेफ्ट टर्न करेंगे, वो सामने मेंशन है नीचे जाना पड़ेगा हमें बेसमेंट में। ऑन दिस साइड C20 टू C29 या दिस इज द गेट, यहाँ नीचे बेसमेंट में C21। लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से यही इसी साइड पर गेट था जब मैं इथोपिया गया हूँ दिसा बाबा यहाँ से, और मुल्तान के लिए भी। अब ये C22 है, वो C21। हाँ जी बोर्डिंग के इंतजार में। Thank you.
बिलाखिर अपने शहर में पहुंच गए माशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए।